पहाड़ की नारी सब पे भारी, यहाँ पे काम चल रहा है बड़े जोरों शोरों पे। ये बारी हमने सिर्फ किचन के काम के लिए रखी हुई है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं अपने छोटे भतीजे से आपको मिलवाता हूँ। ये है शौर्य। शौर्य जुयाल, कहाँ रहते हो भाई आप? नोएडा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? फर्स्ट। और ये आज पहली बार आया ना तू गाँव, कैसा लग रहा है? अच्छा। नहीं, नोएडा अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लग रहा है? अच्छा। क्यों? मस्त है ना, ठंडी हवा, बिना कूलर पंखे सब है ना। अरे मोटू भी पहुंच गई आज है भाई। ये तो आती रहती है, बट ये शौर्य पहली बार आया और इसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो रहता है अभी है ना, एंजॉय करता है, रोज ब्लॉग बनाता है। 11 दिन में हम जाएंगे। 11 दिन में? ओ भाई साहब, 11 दिन तक तो बहुत है। और ये अभी इसकी मम्मी क्या कर रही है? काम कर रही है ना। है ना, लहसुन निकाल रही है उसकी मम्मी, निकाल नहीं, सुखा के और उसकी गठरी बना रही है। भाई ये देखिए, आपने वो कहावत सुनी होगी, पहाड़ की नारी सब पे भारी। तो ये अभी आए हैं सबके साथ दिल्ली से और अभी लग गए हैं काम पे। और यहाँ पे देखिए, इस बार पिछली बार हमारे लहसुन पे मुझे लग रहा है नजर लग गई, तो इस बार छोटा छोटा लहसुन हो रखा है। और आज हमारे लहसुन की ये छोटी छोटी गठरियाँ बन रही है, ये देखिए ये। और ये देखिए, ये दो तो इनको तो आदत है ही काम करने की, पर ये हमारी भाभी जी आई हैं नोएडा से, तो ये भी पहली बार मुझे लग रहा है कि ये काम कर रही है, बट लगी हुई है। वो भी गांव के काम करने में लग जाते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखेंगे। है यहाँ पे काम चल रहा है बड़े जोरों शोरों पे, तो देखते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन बनाता है उसको ज्यादा मिलेगा लहसुन। भाई जो ज्यादा बनाएगा उसको ज्यादा मिलेगा लहसुन। पर ये मुझे लग रहा है इस बार पूरे गांव के आए हैं, तो ये सारा तो बांटने में ही चला जाएगा। तो जो भी रिश्तेदार हमारा ब्लॉग देखेंगे ना, तो इस बार सारे मत रहना कि लहसुन आएगा, क्योंकि इस बार हमारा पूरे गाँव में लोग भरे पड़े हैं। तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ कल्चर है, देना होता है सबको। एक बार ये देखिए, हमारे घर में, घर के पास में एक घर पुराना बनाया, बट उसका अच्छे से दोबारा से रिनोवेशन किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीढ़ियाँ देखो और कलर देखो, पिंक पिंक बना रखा है ये। अब एक बारी और आ गई है, तो ये बारी हमने सिर्फ किचन के काम के लिए रखी हुई है ना जी। या तो आपको लहसुन चाहिए तो भाई गठरी बनानी पड़ेगी, अगर लहसुन का तड़का मारना है आपको है तो जिसको जो सबसे ज्यादा बनाएगा वो उसको ज्यादा मिलेगा है? वो कह रही है अगर कोई मेरे को बोले पैसे दे देगा तो मैं खेती बाड़ी भी कर लूंगी वहीं वाला तो ऐसा करेंगे सब मिलके, सैलरी दे दो महीने में, मतलब आनी चाहिए कम से कम 10-15 हजार है ना। गांव में बहुत है 10-15 हजार। नहीं तो कितने चाहिए आपको, मतलब? ओ भाई साहब, तब तो रहन दो। ओहो, ये ऑर्डर मार दिया क्योंकि ये सबसे बड़ी जेठानी है भाई, और ये इनके अंडर में है तीनों और ये सबसे बड़ी पर आजकल सासुओं की नहीं चलती है ना, तो जेठानी की ज्यादा चलेगी। तो आप ऑर्डर लगाओ और इनसे काम करवाओ। सही बात है, इनको देखो। ओए नीचे मत गिरना है। ये देखो सूरज भगवान जी भी डूबने वाले हैं, लास्ट चरण में हैं अपने। हाँ भाई, सौरव कह रहा है 11 डेज रहेंगे हम, बहुत मजा आ रहा है। ये कौन है?
तो गाइज अभी ये वाली जो फैमिली है, पिछली बार एक ब्लॉग बनाया था मैंने, उसमें दिखाया था, तो उस टाइम बिल्कुल क्लीन इन्होंने कर रखा। और अभी देखिए, अभी आए नहीं गाँव, तो अभी इस घर की हालत कैसे हो रखी है अभी देखना। जैसे ही वो इतीश भाई आएंगे ना, तो वैसे ही इस घर की हालत एकदम से सुधार देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे माल्टे का पेड़। और अभी चिड़िया देखो कितनी चहचहा रही है यहाँ पे। इससे मुझे एक जो हमारी एक बुक में थी, उसमें भी ऐसी जिसने चिड़ियों को चहकाया उसमें चहकाया था। अच्छा, तो गाइस अभी हमारे भांजे भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, अर्पित पोखरियाल। और ये है हमारा भतीजा आरएस जुया। अभी हम थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं कैसे हैं। जीरो पे कब हो, एक बार? ये देखो दीपू भाई की बात है, सुनो जरा, बोलो बोलो यार। है? अब बोलते सोचना नहीं, नहीं सोचते, बोलो जो समझ में आया वो बोल दो। ये अभी भी मोबाइल में लगे हुए। इतना पानी मट्टी।